तो दोस्तों, तो आज हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि ए पार्ट बी पार्ट क्या होता है, ओ ए मशीन में क्या इसका यूज़ होता है, और ये किस प्रकार से आपको दिखाएगा मशीन के अंदर कि कहाँ पर इसको लगाया जाता है। तो सारी प्रोसेस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर बताने वाले हैं कि मशीन में कहाँ पर हम ए पार्ट और बी पार्ट लगाते हैं, जिसमें ए पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और बी पार्ट में बाइकार्ब होता है। किस प्रकार से हम ये दोनों लाइन से हम ए पार्ट और बी पार्ट कनेक्ट, ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है उसमें हम बी पार्ट लगाते हैं जिसमें बाइकार्ब होता है उसमें कनेक्ट करते हैं, और जो आपको रेड वाली लाइन दिखाई दे रही होगी इस लाइन में हम इलेक्ट्रोलाइट का ए पार्ट जिसको बोलते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, और इसमें हमारी बॉडी में पेशेंट पे बैलेंस को क्या बैलेंस करने का काम करता है वायकार और इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारी बॉडी की पेशेंट की बॉडी के अंदर उपस्थित बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बैलेंस करने के लिए हम इन दोनों को ज़रूरी होता है बायकार्ब और इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत करती है, जो उसकी बॉडी में बैलेंस बनाए रखने के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको दिखाई दे रही हूँ ये कैने, दो कैने दिखाई दे रही हैं जो मशीन के सामने रखी रहती हैं। तो इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं और क्या क्या इसमें होता है। तो इस प्रकार से हमारा ए पार्ट बोलते हैं जिसको, उसको एक पैकेट होता है जो आपको 10 लीटर जो प्योरीफाई वाटर होता है आर वाटर उसमें डायलूट करना होता है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सिट्रिक एसिड ये इसमें ये प्रोडक्ट जो इसके अंदर होते हैं उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार बी पार्ट को भी हम 10 लीटर में बनाते हैं जिसको हम बी पार्ट बोलते हैं। उसमें इसमें क्या होता है, इसे हम बायकार्ब बोलते हैं। इसमें इसको भी हम 10 लीटर में ही बनाते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला में क्या होता है, इसको सोडियम बायकार्बोनेट होता है और इसमें सोडियम बायकार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, दो ही चीज़ें इसमें उपस्थित होती हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आर ओ वाटर होता है उसको हम 10 लीटर आर ओ वाटर लेते हैं जो प्योरीफाई वाटर होता है, उसको आर ओ वाटर लेने के बाद ही हम इसको 10 लीटर इस बाल्टी में भरेंगे, और इसके बाद हम जो पैक होता है जो इसको हम ये पार्ट है बी पार्ट किसी को भी बना सकते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको जो आपको बाल्टी दिखेगी जो दिखाई थी उस बाल्टी में हम 10 लीटर पानी होने के बाद हम उसको इसमें क्या होता है डाइल्यूट करेंगे, इसमें घोलेंगे जो हम पैक है इसको 10 लीटर होने के बाद इस पैक को हम इस बाल्टी के अंदर डाल देंगे, और इसको हम क्या करते हैं अच्छी तरह से घोलेंगे। जब तक ये पूरा नहीं घोले तब तक हम इसको घुमाते रहेंगे, किसी रॉड या किसी की सहायता से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से कि इसमें किसी प्रकार का पाउडर ना रह जाए, पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाए, पूरी तरह से घुल जाए। इसको 10 से 15 मिनट इसको हम घोलते हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। इसकी बनी बनाई कैने भी आती हैं लेकिन ये पाउडर फॉर्म में है जिसको हमें अपने हाथ से ही बनाना पड़ता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इस प्रकार से हम ये बना के तैयार हो गया है, और इसको हम क्या करते हैं एक पीक की सहायता और छन्नी की सहायता से अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि किसी प्रकार के इसमें पाउडर ना जाए, क्योंकि पाउडर अगर जाएगा तो हमारी जो लाइन है वो मशीन की लाइन को चौक कर देगा। इसी प्रकार हम इसको अच्छे से छान के और इस कैन में लोड करेंगे, और कैन में भरने के बाद हम इसको पूरी तरह से डाल दिया हो और इसको भरने के बाद हम मशीन में इसको कनेक्ट करते हैं। ये इस प्रकार बन गया है, ये इसको हम बी पार्ट बना लिया है। इसी प्रकार के सेम प्रोसेस में हम ए पार्ट भी बनाते हैं। इस प्रकार से हम इसको लाइन को कनेक्ट कर देंगे और इस प्रकार ये सामने कैन रख देते हैं, इस प्रकार से लाइन डाल देते हैं, और इसी प्रकार से हम ए पार्ट की लाइन भी कनेक्ट कर